हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मेरे पास है टेक्नो की तरफ से कैमन 20 प्रो 5G और इसका जो हम चार्जिंग टेस्ट करेंगे। कंपनी क्लेम करती है कि 30 मिनट में जो है 50% जो है ये चार्ज हो जाएगा, तो इसी का जो है हम टेस्ट करेंगे और देखेंगे सच में होता है कि नहीं होता। मेरा नाम है फैज, मेरे चैनल का नाम है अनबॉक्स वायर और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। इस फोन के अंदर जो बैटरी आती है वो 5000 mAh की बैटरी आती है, जिसके साथ 33 वाट का फास्ट चार्जिंग आता है और कंपनी क्लेम करती है कि 50% चार्ज हो जाएगा 30 मिनट में। तो इसको जो हम चेक करेंगे उसके बाद देखेंगे कि सच में होता है या नहीं होता। मैं इसको चार्ज करने वाला हूं, इसका जो ओरिजिनल चार्जर आया है 33 वाट का, इसी से मैं इसको चार्ज करूंगा और इसके साथ जो केबल आया है टाइप सी टू टाइप ए केबल, इसी से जो हम इसको जो है चार्ज करेंगे। तो चलिए हम इसको पहले कनेक्ट कर लेते हैं सॉकेट में, उसके बाद जो है फिर मिलते हैं। यहाँ पे मैं आपको फोन दिखा देता हूँ कि फोन जो है वो बिल्कुल चार्ज नहीं है, एकदम 0% चार्ज है। यहाँ पे जब हम करते हैं तो यहाँ पे पावर के लिए जो है यहाँ पे इंडिकेटर जो है वो आता है, तो यहाँ पे हम इसको पावर को लगाते हैं इसके अंदर जो इसका ओरिजिनल इसके साथ आया है और इसके बाद फिर टाइमर को ऑन करते हैं और देखते हैं कितना टाइम लगता है इसको चार्ज होने में। जब ये 2-4 मिनट जो है, ये देखिए पावर जो इसके अंदर आ गया है और जो है 2 मिनट हम चार्जिंग के लिए छोड़ देते हैं, देखते हैं कि 2-4% जितना भी चार्ज होगा उसके बाद इसको जो है ऑन कर देंगे, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट करके ना अच्छे से चार्ज होगा, फास्ट चार्जिंग होगा इसका। तो मिलते हैं जब 2 मिनट हो जाएगा उसके बाद। यहाँ पे देखिए 2 मिनट जो है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे मैं दिखा दूं कि यहाँ पे जो चार्ज है वो 3% चार्ज हो गया है। तो हम फोन को जो है रिबूट कर देते हैं, उसके बाद जो है हम मिलते हैं जब 10 मिनट हो जाएगा, उसके बाद देखते हैं कितना परसेंट जो है फोन चार्ज होता है। यहाँ पे देखिए 10 मिनट जो है वो कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे जो है हम देखते हैं कितना परसेंट जो है फोन चार्ज हुआ है। तो यहाँ पे देखिए फोन जो है वो 11% चार्ज हुआ है और ये वाईफाई के साथ कनेक्ट है। तो अब जो है 20 मिनट जब हो जाएगा उसके बाद देखते हैं कि 20 मिनट में फोन कितना चार्ज होता है। तो अब हम मिलेंगे 20 मिनट के बाद। यहाँ पे देखिए 20 मिनट जो है वो कंप्लीट हो गया है और हम देखते हैं कि बैटरी जो है वो इसका कितना परसेंट चार्ज हुआ है। तो यहाँ पे 24% चार्ज हुआ है। तो अब जो है कंपनी जो क्लेम करती है कि 30 मिनट में जो है 50% चार्ज हो जाएगा, वो हम मिलते हैं और देखते हैं 30 मिनट के बाद में कि कितना परसेंट जो है वो चार्ज होता है 30 मिनट में। यहाँ पे देखिए 30 मिनट जो है वो कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे हम फोन देखते हैं कितना परसेंट चार्ज हुआ है। तो फोन जो चार्ज हुआ है वो 33% चार्ज हुआ है। तो कंपनी ने जो क्लेम किया था कि ये जो है 50% चार्ज हो जाएगा 30 मिनट में, ऐसा नहीं हुआ, 33% ही चार्ज हुआ है। तो अब हम मिलेंगे जब 40 मिनट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद देखते हैं कि कितना परसेंट जो है वो फोन चार्ज होता है। यहाँ पे देखिए 40 मिनट जो है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे फोन में दिखा देता हूँ कि 45% जो है फोन चार्ज हो गया है। तो अब हम मिलेंगे जब 50 मिनट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे कितना परसेंट जो है फोन चार्ज हुआ है। यहाँ पे 50 मिनट जो है वो कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे जो है हम देखते हैं कितना परसेंट जो फोन चार्ज हुआ है। तो 56% फोन चार्ज हुआ है और पीछे बिल्कुल भी हीट देखने को नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा भी हीट नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल चार्ज हो रहा है। तो अब हम मिलते हैं जब ये 1 आवर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद देखते हैं कि 1 आवर में कितना परसेंट जो है फोन चार्ज होता है। यहाँ पे 1 आवर जो है वो कंप्लीट हो गया है और हम फोन को देखते हैं कितना परसेंट जो है फोन चार्ज हुआ है। तो 68% जो है फोन चार्ज हुआ है। तो अब जो है जब 10 मिनट और हो जाएंगे तब हम मिलेंगे, उसके बाद देखते हैं कितना परसेंट जो है फोन चार्ज होता है। यहाँ पे देखिए 1 आवर और 10 मिनट जो है कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि फोन जो है कितना चार्ज हुआ है। तो 78% जो है फोन चार्ज हुआ है। तो अब हम मिलेंगे जब 1 आवर और 20 मिनट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद देखते हैं कि कितना परसेंट जो है फोन चार्ज होता है। यहाँ पे कोई भी हीट हीट का इश्यू मेरे को देखने को नहीं मिला, बिल्कुल फोन जो है बिल्कुल नॉर्मल है, थोड़ा सा भी हीट कहीं पे देखने को नहीं मिल रहा। यहाँ पे 1 आवर 20 मिनट जो है कंप्लीट हो गया है और यहाँ फोन को हम देखते हैं कितना परसेंट जो है वो चार्ज हुआ है। तो 88% जो है फोन वो चार्ज हो गया है और यहाँ पे कोई भी हीट वीट देखने को नहीं मिला, एक नॉर्मल फोन जैसा है वैसा ही है। तो अब हम मिलते हैं जब 1 आवर 30 मिनट हो जाएगा, उसके बाद मिलते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कितना परसेंट जो है बैटरी चार्ज होता है, 100% होता है या उससे कम होता है। यहाँ पे देखिए 1 आवर 30 मिनट जो है वो कंप्लीट हो गया है और इस फोन को देखते हैं कितना परसेंट जो है वो चार्ज हुआ है। तो यहाँ पे जो है 95% जो चार्ज हो गया है 1.5 घंटे में। तो अब जब ये फोन फुल चार्ज हो जाता है फिर हम मिलते हैं और देखते हैं कितना टाइम लगता है इसको फुल चार्ज होने में। यहाँ पे देखिए 1 आवर 45 मिनट जो है कंप्लीट हो गया है और ये फोन जो है ये भी 100% चार्ज हो गया है। यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आ गया कि आप फोन को जो है इसके चार्ज को डिस्कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे कोई भी हीटिंग इश्यू मेरे को देखने को नहीं मिला, तो हीट वेट तो इसके अंदर नहीं होता लेकिन चार्जिंग का टाइम जो है बहुत ज्यादा है। ये 1 आवर 45 मिनट जो है पूरा कंप्लीट ले लेता है, इसमें आपका 100% फुल चार्ज हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।